हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टॉरस लगन में सूर्य की सिक्स हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। सिक्स हाउस में सेवन नंबर राशि पड़ी हुई है जो कि शुक्रदेव की है और ये लगन भी शुक्रदेव का है। तो दोस्तों, सन इज ए लॉर्ड ऑफ फोर्थ हाउस। अब सिक्स हाउस में सन डेबिलिटेट हो गया यानी नीच का हो गया। देखिए, यहां दो प्रॉब्लम्स आ गई। एक तो सूर्य देव छठे घर में आ गए। छठा घर दुष्टाना हाउस है। छठे घर से हम क्या देखते हैं? डिसीजेस देखते हैं, लिटिगेशंस देखते हैं, एनिमीज देखते हैं, डेट्स देखते हैं, लोन्स वगैरह। मैटरनल अंकल का हाउस है ये। सर्विस देखते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस देखते हैं, ऑब्स्टेकल्स देखते हैं। हमारी रोजमर्रा जिंदगी यानी डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, वो इसी हाउस से देखते हैं। अपने सर्वेंट्स भी हम इसी हाउस से देखते हैं और यहाँ से हम पेट्स भी देखते हैं। और दोस्तों, ये जो घर है लड़ाई झगड़े का घर है, डिस्प्यूट्स का घर है। हमारी जो मैरिज में डिस्प्यूट्स चलते हैं, जो हमें लिटिगेशन की तरफ लीड कर देते हैं सेपरेशन के लिए या डाइवोर्स के लिए, वो भी हम इसी घर से देखते हैं। तो ये बहुत ही बुरा घर है। बस यहाँ से हमारी नौकरी चलती है। नौकरी का घर भी यही है, यही माना जाता है। तो उस लिहाज से हम इसको ठीक कह सकते हैं। और इस घर के कारक दो हैं, एक मंगलदेव है, एक शनिदेव है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि सूर्य यहाँ नीच के हो गए और सूर्य हमारे फोर्थ हाउस के लॉर्ड है। फोर्थ हाउस किस चीज का है? फोर्थ हाउस हमारी हैप्पीनेस का है। सबसे पहले तो ये हो गया कि हमारी हैप्पीनेस अंडर स्ट्रेस आ गई, हमारी हैप्पीनेस में कमी आ गई, हमारा मन डिस्ट्रेस्ड हो गया, हमारी इमोशंस हर्ट रहेंगी। और सूर्य क्या है? सूर्य हमारा नेम, फेम, सेल्फ स्टीम, प्राइड, स्वाभिमान, इन चीजों को दर्शाता है। इन सब चीजों में कमी आ गई, स्वाभिमान कमी आ गई। स्वाभिमान में जब कमी आती है तो क्या होता है? आदमी की ह्यूमिलेशन होती है। कहीं ना कहीं आदमी को कुछ चीजों को लेके ह्यूमिलेशन फील करनी पड़ती है। और सात नंबर राशि दोस्तों लोगों की राशि है, हमारी सामने की दुनिया की राशि है, आउटर वर्ल्ड की राशि है। और सात नंबर राशि रिलेशनशिप को दर्शाती है। तो हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स होगी। वी वोंट बी एबल टू मेंटेन आवर रिलेशनशिप इन ऑर्डर और प्रॉपरली और डिसेंटली। तो उससे लोगों से हमें कुछ सुनना पड़ सकता है। डे टू डे लाइफ में कुछ बेइज्जती करानी पड़ सकती है, कुछ ह्यूमिलेशन फील करनी पड़ सकती है। यहां पर सूर्य बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में आ गए। एक तो छठे घर में आ गए। सूर्य जैसा रॉयल और रीगल प्लैनेट एक दुष्टाना हाउस में बैठ जाए तो वैसे ही दिक्कत है। और फिर डेबिलिटेट हो गए, नीच के आ गए। तो यहां पर डबल मार पड़ गई सूर्य जैसे रॉयल प्लैनेट पे, रीगल प्लैनेट। और यहां हमारा जो करेज होगा उसमें भी कमी आ जाएगी। हम दुनिया को अपना करेज झूठा दिखा सकते हैं लेकिन एक्चुअली हमारे अंदर करेज कम होगा, नहीं होगा। और यहां पर सात नंबर राशि हमारी विवाह की राशि है, काल पुरुष कुंडली में। सात नंबर राशि में सूर्य डेबिलिटेट हो जाता है तो हमारे विवाह में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, वैवाहिक संबंधों में भी प्रॉब्लम्स रहती हैं। और हमारी जो सेल्फ स्टीम है, हमारे जो प्राइड है, उसको हम मेंटेन नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हम हमारी जो एक्शंस होते हैं या हमारी जो डीलिंग्स होती हैं वो कहीं ना कहीं उसमें हम अपने आप को प्राउड नहीं महसूस करते। कहीं ना कहीं अपनी अपनी मान हानि वगैरह में रहकर ही हम ये चीजें करते हैं। और दोस्तों, यहां पर सूर्य बैठ के फोर्थ हाउस से हम प्रॉपर्टीज देखते हैं और ये हाउस डेट का है। हमारी प्रॉपर्टीज डेट में आ सकती हैं, हमारी प्रॉपर्टीज में कोर्ट केसेस चल सकते हैं, लिटिगेशन हो सकता है, हमारी प्रॉपर्टी में स्ट्रेस आ सकता है, ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकती हैं, अपोजिशन आ सकती है। और हमारी व्हीकल का सुख भी हमें यहाँ कम मिलेगा, कुछ ना कुछ व्हीकल्स में प्रॉब्लम्स रहेगी। और दोस्तों, फोर्थ हाउस से हम अपनी मदर को देखते हैं, हमारी मदर की यहाँ पर तबीयत भी ठीक नहीं रहेगी। हमारे फादर
जो है सूर्य हमारे फादर का सिग्निफिकेटर है, तो यहाँ ऐसा माना जाता है फादर को भी यहाँ कोई ना कोई डिसीज होगी और हमें भी जेनेटिकल डिसीज होने का यहाँ पर डर रहता है, यानी कि जो हमारे फादर या पेरेंटल डिसीज चली आ रही होगी उस डिसीज होने का डर रहता है, क्योंकि यहाँ से हम डिसीज भी देखते हैं। यहाँ सूर्य में बल नहीं रहा, सूर्य बहुत वीक हो गया यहाँ। यहाँ डिसीज क्या हो सकती है, हार्ट से रिलेटेड डिसीज हो सकती है, फोर्थ हाउस हमारा हार्ट का है और सूर्य यहाँ नीच का हो गया, हार्ट से रिलेटेड डिसीज हो सकती है। अगर फोर्थ हाउस में भी कोई अफ्लिक्शन आ गया यानी राहु वगैरह बैठ गया तो हमें ये हार्ट डिसीज पक्का हो जाएगी, हमारी बैक बोन्स में डिसीज हो सकती है, विटामिन डी हमारे अंदर कम हो सकता है, हमारी जो है कहीं ना कहीं वाइटालिटी का लॉस हो सकता है, इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है और हमारे लंग्स से रिलेटेड भी या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर हमारा मून भी ठीक नहीं है। मून का कंट्रोल हमारे लंग्स पर रहता है, तो फोर्थ हाउस हमारे कहीं ना कहीं अपर चेस्ट को यानी कि लंग्स वगैरह को भी देखता है, तो लंग्स से रिलेटेड भी डिसीज यहाँ हो सकती है, उसमें मून को देखना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर हमें वही बीमारी चिपकती है जो हमारे फादर को या हमारी मदर को, यानी कि जेनेटिक बीमारी यहाँ पर हमें होने का अंदेशा रहता है। और दोस्तों ये इस हाउस से हम कहीं ना कहीं मैटरनल अंकल का भी देखते हैं, तो ये इंसान मैटरनल अंकल पे भी डिपेंड, कहीं ना कहीं इसका काम मैटरनल अंकल की हेल्प से कुछ ना कुछ हो सकता है अगर मंगल पावरफुल है। देखिए मंगल जो है वो इस हाउस का कारक है और अगर मंगल यहाँ साथ बैठ जाए इस हाउस में तो कुछ ना कुछ सूर्य को सपोर्ट कर देगा, और सूर्य की जितनी भी हमने ये चीज़ें बताई हैं डेफिशिएंसीज, इसमें कहीं ना कहीं मंगल जो है इसे बचा लेगा। हाँ अगर यहाँ पर शुक्र देव खुद आके बैठ जाए तो यहाँ पर नीच भंग योग हो जाएगा और सूर्य की ये फल हमें बहुत कम मिलेंगे, ना के बराबर मिलेंगे, यानी कि 20-25% मिलेंगे। अगर नीच भंग राजयोग यहाँ पर बन जाता है तो वो कौन बना सकते हैं, शुक्रदेव बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ शुक्र की राशि है, 7 नंबर राशि है, तो सूर्य नीच का हो जाएगा, शुक्र अपनी राशि में हो जाएगा, तो ये नीच भंग योग पैदा हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर शनि भी आके बैठ जाए तो शनि ऊंच के होते हैं, लेकिन यह शनि और सूर्य में टकराव है, शनि नीच भंग योग नहीं बनाएगा, वो तंग करेगा और ज्यादा यहाँ पर पीड़ित कर देगा सूर्य को, यहाँ पर लिटिगेशंस चलवा देगा, यहाँ पर लड़ाई झगड़ों को कॉम्प्लिकेट कर देगा और यहाँ पर डिसीज को लंबा कर देगा, जो भी बीमारी होगी उसे लाइफ लॉन्ग कर देगा, क्योंकि शनि इन्हीं चीजों का कारक है, चीजों को लंबा कर देता है, डिले कर देता है, तो यहाँ पर शनि का बैठना हम सही नहीं मानते, चाहे शनि या एग्जॉल्टेड साइन में आ जाएगा लेकिन सूर्य के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पैदा हो जाएंगी और कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी करके सूर्य को यहाँ पीड़ित रखेगा और लिटिगेशन में भी ले जा सकता है, क्योंकि हम जो है शनि देव को एक जज भी कहते हैं, मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, और फिर शनि कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ पर सूर्य को मैं सपोर्ट करूँ, वो हमेशा इसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाँ मंगल यहाँ बैठ जाए तो मंगल सूर्य का मित्र है और वो इसे सपोर्ट कर सकता है। और दोस्तों अगर मंगल की पोजीशन वैसे भी हमारे चार्ट में पावरफुल है तो कुछ ना कुछ इन चीज़ों में बचाव हो सकता है। मंगल की पावरफुल पोजीशन आपको मिलेगी छठे घर में, जहाँ हम बता रहे हैं 7वें घर में 9वें घर में और 11वें घर में। 11वें घर में मंगल की दृष्टि भी इसको बचा लेगी। 3रे घर में मंगल जो है नीच का हो जाएगा, हालांकि 3रे घर की दृष्टि भी 6ठे घर पर पड़ती है, 4थी दृष्टि मंगल की, लेकिन वो नीच का हो जाएगा तो वो दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। 12वें घर में मंगल अपने साइन में है, 12वें घर से भी उसकी 7वीं दृष्टि पड़ सकती है, लेकिन 12वां घर वैसे ही दुष्टाना हाउस है। तो दोस्तों यहाँ पर हाँ अगर शुक्र बली है इस चार्ट में, यानी कि लगन में बैठा हुआ है या किसी अच्छे साइन में बैठा हुआ है, यानी कि एग्जॉल्टेड साइन में बैठा हुआ है 12 नंबर में, यानी कि 11वें घर में, 11वें घर में अगर शुक्रदेव बैठे हुए हैं या लगन में बैठे हुए हैं या किसी मित्र की अच्छी राशि में बैठे हुए हैं, तो ऐसा हम मान सकते हैं कि जो मंगल है विपरीत राजयोग पैदा कर सकता है। अगर मंगल विपरीत राजयोग बना रहा है 12वें घर में बैठ के और उसकी दृष्टि 6ठे घर पे सूर्य पे है, तब भी सूर्य को थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ मंगल जरूर देंगे और स्ट्रेंथ इतनी देंगे कि सूर्य के ऊपर ये जितनी भी विपत्तियां आएंगे उनको फाइट करने की ताकत देंगे, यानी कि कोई अगर
एनिमीज या अपोजिशन है, अपोजिट लोग हैं जो उनका विरोध करते हैं कहीं डे टू डे लाइफ में, तो वहां मंगल विल सपोर्ट। अगर कोई बीमारी लग गई है तो बीमारी से लड़ने की ताकत दे देंगे। और अगर वैसे भी सूर्य की कहीं यानी कि कोई दबाने की कोशिश कर रहा है तो मंगल की जो विल पावर है वो सूर्य को मिल जाएगी और यहाँ पर नेटिव उससे लड़ लेगा, यानी कि थोड़ा सा वो हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा विल पावर, उसकी आत्मशक्ति बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से मंगल यहाँ पर सपोर्ट कर सकता है और मंगल जो है मामा से भी इसको हेल्प करवा सकता है नेटिव को। लेकिन यहाँ पर अगर मंगल वीक पड़ गया आपका, इन घरों में अगर मंगल ना हुआ तो यहाँ पर मामा से भी नहीं बनेगी, नौकरों का सुख भी ये इंसान नहीं ले पाएगा, कंफर्ट्स भी नहीं ले पाएगा और कहीं ना कहीं इसका माइंड जो है स्ट्रेस रहेगा, आत्मा इसकी दुखी रहेगी, आत्मा का कारक है, हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो ये एक बहुत बुरी प्लेसमेंट है। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये बैठा हुआ सूर्य आपको कुछ इस तरह के ही फल देगा, ये लगभग बुरे ही फल है। यहाँ पर सूर्य बैठ के आपको गवर्नमेंट सर्विस दिलवा सकता है क्योंकि सर्विस का घर है, लेकिन आपकी सर्विस में मन ही नहीं लगेगा, आपकी इज्जत नहीं होगी, प्रमोशंस होने के कम चांसेस बनेंगे, आप हमेशा सोचोगे यार ये नौकरी छोड़ दो, इसमें मुझे कुछ मिल नहीं रहा, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस जॉब। तो कहीं ना कहीं प्रमोशंस में ऑब्स्टेकल्स आएंगे, अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी आपको, तो और कुछ सम्मान भी नहीं मिलेगा, यानी कि सेल्फ एस्टीम नहीं रहेगी, कुछ इज्जत नहीं मिलेगी। तो यह डेबिलिटेटेड सन जो है छठे घर का बहुत बुरे फल देता है, और जितनी भी हमने ये चीज़ें बताई हैं ये इस तरह के ही फल देता है। लेकिन यहाँ पर फिर भी हमें शुक्र की प्लेसमेंट देखनी है, अगर शुक्र कहीं अच्छा पड़ा हुआ है तो डिस्पोजिटर शुक्र ही है, तो हम मान सकते हैं कि थोड़ी सी चीज़ें संभली हुई हैं। अगर सूर्य जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का लॉर्ड भी कहीं वेल प्लेस्ड है तो फिर हम ये मान सकते हैं कि इन फलों में एटलीस्ट 50% आपको कम्फर्ट मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। नक्षत्र कौन से मिलते हैं? पहला नक्षत्र चित्रा नक्षत्र है, मंगल देव का नक्षत्र है और मंगल कारक भी है इस घर का। मंगल की हमने आपको ऑलरेडी प्लेसमेंट्स बता दिए हैं कि अगर मंगल इन इन घरों में हो तो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत बचाव, थोड़ी बहुत सपोर्ट, विल पावर मिलेगी और यहाँ पर सूर्य के ये फल आधे हो जाएंगे। मंगल जो है मंगल का नक्षत्र 6.4 तक है जीरो से, सिर्फ दो ही चरण उसके इतने इसके पास पड़े हुए हैं। और दूसरा नक्षत्र यहाँ आता है स्वाति नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। तो दोस्तों स्वाति नक्षत्र बहुत अच्छा नहीं माना जाता, यानी कि सूर्यदेव के लिए, सूर्यदेव अगर स्वाति नक्षत्र में है तो यहाँ पर फल प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी। लेकिन फिर भी अगर राहु की प्लेसमेंट तीन नंबर हाउस में, यानी कि थर्ड हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवन्थ हाउस में, एट्थ हाउस में और ट्वेल्थ हाउस में अगर नहीं है, यानी कि इन पांच घरों में राहु नहीं बैठा हुआ तो आपके लिए अच्छा है। तो इसका मतलब राहु कहीं ठीक बैठा हुआ है तो वहां भी आपको जिस हाउस में राहु बैठा हुआ है उस हाउस से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स अच्छे मिलने की संभावना रहेगी। और दोस्तों ये नक्षत्र चलता है 6.4 से 20 डिग्री तक, 20 डिग्री से 30 डिग्री तक, या फिर आगे एक चरण और आगे बढ़ जाता है इस विशाखा नक्षत्र का। विशाखा नक्षत्र गुरुदेव का नक्षत्र है। तो दोस्तों गुरुदेव जो है वैसे ही बहुत शुभ है, लेकिन इस चार्ट में मारक प्लैनेट है गुरुदेव, लेकिन वैसे गुरु इज ऑलवेज आई मीन इज ए ब्लेसिंग फ्रॉम द गुरु, ब्लेसिंग फ्रॉम द जुपिटर और डिवाइन पावर। तो गुरु को हम अच्छा ही मानते हैं। यदि सूर्यदेव गुरु के नक्षत्र में है तो सूर्य कंफर्टेबल है। देखिए चित्रा नक्षत्र में और विशाखा नक्षत्र में सूर्य कंफर्टेबल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ नीच के हो गए हैं सूर्यदेव। अब राहु के नक्षत्र में सूर्यदेव ज्यादा अच्छे फल नहीं देंगे। अगर राहु की प्लेसमेंट अच्छी है जो हमने बताई है तो थोड़ा सा हम ठीक मान सकते हैं, चीजें संभली रहेंगी। अगर गुरु के नक्षत्र में है तो फिर गुरु की प्लेसमेंट आपको देखनी पड़ेगी। गुरु की प्लेसमेंट आपकी थर्ड हाउस में है, यानी कि ऊंच के हो जाएंगे। चौथे घर में वैसे ही गुरु अच्छे माने जाते हैं। पांचवा घर के कारक हैं गुरु, उसमें भी अच्छे माने जाए। सातवां घर मंगल देव का है, सातवां घर में आठ नंबर राशि है, वहां भी अच्छे माने जाएंगे। ग्यारहवां घर जो है उसमें गुरु की 12 नंबर राशि पड़ी हुई है, तो वहां भी गुरु अच्छे माने जाए। इन पांच घरों को छोड़ के अगर और किसी घर में गुरुदेव बैठे हैं तो थोड़े से इन्फीरियर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे।
अगर इन्हीं पांच घरों में गुरुदेव विराजमान हैं और सूर्य विशाखा नक्षत्र में बैठा है, तो हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ आपकी लाइफ चलेगी और कुछ ना कुछ बचाव रहेगा आपकी इन चीज़ों में, इन फलों में जो हमने सूर्य के यहाँ आपको फल बताए हैं। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी डिस्कशन सूर्य देव के सिक्स हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। अगर वो हम इसे कंक्लूड करें तो ये एक बहुत ही बुरी प्लेसमेंट है, दिस इज़ ए रेयरली बैड प्लेसमेंट, तो इसको हम अच्छा नहीं मान सकते। और यहाँ से बैठा हुआ सूर्य फिर बारहवें घर को देखता है तो बारहवें घर की बुरी चीज़ें भी एक्टिवेट हो जाती हैं। अब बारहवें घर में मंगल की राशि पड़ी हुई है हालांकि, लेकिन बारहवां घर दुष्टाना हाउस है। बारहवें घर से हम एक्सपेंस देखते हैं, लॉस देखते हैं, टेंशन देखते हैं, इमेजिनेशंस देखते हैं, एंड थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी भी बारहवें घर से देखते हैं। लेकिन यहाँ सूर्य जो है वो डेबिलिटेटेड है, तो वो स्पिरिचुअलिटी में तो आपको ले जाने से रहा। और दूसरा बैड प्लेजर्स देखते हैं, तो बारहवें घर में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ सूर्यदेव एक्टिवेट कर देंगे और वो यहाँ के छठे घर की प्रॉब्लम्स में एडिशन ही करेंगे, कुछ ना कुछ सब्स्ट्रक्शन नहीं करेंगे। हाँ, अगर वहाँ पर मंगल पड़ा हुआ है तो मंगल थोड़ा सा यहाँ पर ज़रूर बल देगा सूर्यदेव को, अगर विपरीत राजयोग में आ गया है तो। दोस्तों, I think this is sufficient for the day, and this is a detailed discussion about this placement. And if you are connecting to this discussion, you can definitely subscribe our channel so that we should release more and more such videos. As usual, my number is 9899105355. If you want to contact me, you can dial this number for any astrological consultation. Or else, we'll see you tomorrow with its next placement. Thank you very much for watching this video. Stay safe at your home. See you soon. Thanks a lot.